उठाना ही उठाड़ खाती रहती है फिर उठाने में। और मेरी हालत देखो आज रात वो वाली जो जगह है वो नीरत है, वहाँ डैम बन रहा है और वो सतलुज पे ही पूरा बंद कर दिया है बीच में, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट साइट है और इसी के ही इफेक्ट से हम लोगों की फसलें इधर तक सरोगा बोलते हैं उधर साइड को, वो देखो सरोगा, वो भी मतलब कि सरोगा भी बहुत ज़्यादा हाइट में है, वो भी इफेक्ट हो रही है। और मेरी दी का घर पौमी दीदी का ससुराल उधर साइड को है, अभी हम जाएंगे ये रोड में आगे 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 इधर से होते हुए, वो देखो वो वाली साइड वो भुट्टी है, भुट्टी मोड़ वो मेरा स्कूल है, यहाँ से हम फिर यू टर्न लेंगे और फिर आएंगे हम सीधा इसी बेल्ट में निचली साइड को, यहाँ हमारा घर है और वो सामने आपको दिख रहा है बुशहर का सारा ही दिलट ननखरी, वो उधर को लाल सा डन सा, और वो जो सामने दिख रहा है वो है निर्मंड, और वो जो उधर को दिख रहा है वो है निथर ढमाई, और वो निचली साइड को सारा ही तांदी और द्राह वगैरह जिसको बोलते हैं दलाश, दलाश इधर को दिख रहा है, देखो इधर साइड को ये वाली साइड है हमारी वाली साइड, वो भड़ासा जिसको बोलते हैं भुट्टी कैंची नौला नगराओं, देखो जैसे मेरा घर वहाँ है ना, वो देखो मेरा मायके वाला घर उधर है, मायके वाला मेरा मायके वाला घर, और फिर वो रही डोगरी हमारी इधर को, मतलब कि पूरा ड्रोन एरिया से जैसे दिखता है मैंने आपको दिखा दिया है। हम भी पहुंचते हैं घर में, यहाँ पे ना दो छोटे छोटे बच्चे मिले हमारे सब्सक्राइबर ही होंगे, हाई कर रहे थे हेलो कर रहे थे, बहुत अच्छा लगता है मुझे स्पेशली, ज़्यादा अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि छोटे बच्चे मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं पर हमारे, और बहुत से कमेंट आपके थे कि आपकी दीदी के घर आप क्यों गए थे, ये मेरे पिंकू भैया मतलब कि जीजा जी ये मेरी दीदी हैं, तो मैं इनके घर शुद्धि में गई थी, मैंने बताया था, वैसे मैंने हाईलाइट नहीं की थी वो बात, मेरे पिंकू भाई मतलब कि जीजा जी के पापा की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, 12-13 दिन ही हुए हैं अभी, तब गई थी मैं है ना, और ये मिले हैं हम भुट्टी मोड़ पे एडमिशन लेने, हाँ आज आकांक्षा की एडमिशन होगी जो इनकी बेटी है प्लस वन में, तो एडमिशन करवानी जरूरी थी इसीलिए आए हैं, थोड़ी देर हम यहाँ पे रुक के बात बात कर ली और अब हम यहाँ से जाएंगे आगे, आप भी जाइए ठीक है, अब ये गाड़ी में बैठने आ गए थे हमारे साथ थोड़ी देर के लिए, कल लेट हो जाओ फिर मैं पर शुभ को बोल के रखा है कि दे चाय पीने, ठीक है फिर बाय, ठीक है तब ना, बचपन से पली बड़ी हूँ, रही हूँ, बैठी हूँ, उठी हूँ, खाई हूँ, पी हूँ, और सबसे बड़ी बात स्कूल पढ़ी हूँ, ये है वो जगह, और यहाँ से हम जाते थे सीधा ही आगे, जो मैंने वहाँ से अभी जब मैंने ऊपर से दिखाया था ना कि ये नीचे हमारा गाँव है भुट्टी है, तो वहाँ से दिखाया था, यहाँ से आगे हमारा वो रास्ता है, आगे है हम अपने घर के पास सिविल हॉस्पिटल, वो देखो मेरा घर, रौनक के पापा बुआ की रिपोर्ट्स लेंगे, और ये है यहाँ का सिविल हॉस्पिटल, बुआ ने पिछले कल के यहाँ पे अपने टेस्ट करवाए हैं सारे, जैसे कि अभी नया चला है कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कुछ टाइम से सारे फ्री के जो है टेस्ट हो रहे हैं, तो बुआ ने भी करवाए हैं, पापा मम्मी ने भी करवाए हैं, और बुआ ने तो ऐसे ही करवाए, मम्मी पापा को तो चलो ये है कि शुगर वगैरह का है, तो बुआ ने भी करवा के रखी है, बोला कि निकाल देना देख लेना। हाँ जी तो कैसे हैं सारे बताइएगा सरजूर, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, और अभी बजे हैं जी दिन के 12:30, रौनक के पापा अभी जाने के लिए तैयार है क्योंकि इनको पंप अपना ऑपरेट करना है, और जैसे कि मैंने बताया हमारा विशु लगा हुआ है, तो अभी हमारी साफ सफाई हो रही है, पर क्या हुआ कि जैसे हम गए थे ना, मैंने आपको जो पिछले व्लॉग में दिखाया, तो मेरे सिर में हो रही है दर्द क्योंकि ठंडी ठंडी हवा थी, और यहाँ पे भी इतनी ठंड है कि मुझे जैकेट ही पहनना पड़ रहा है, धूप में ठीक है आज धूप खिली है बहुत टाइम के बाद है ना, तेज धूप है भयंकर धूप, हाँ ठंडी है कमरे अंदर बिल्कुल ठंडे ही है, और हमारा विश्व लगा हुआ है, हम सफाई कर रहे हैं किचन, तो वैसे पिछले कल का मैंने साफ किया हुआ है, बाकी वो रूम जो है मम्मी ने साफ करने शुरू कर दिए हैं, पर मुझे उससे पहले खाना बनाना है क्योंकि अभी लंच नहीं बना है, तो इसमें मैंने चावल चढ़ा दिए हैं ये वाला है मैं, और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, और मैं पीऊँगी चाय, चाय पीने के बाद कपड़े होंगे बहुत सारे, वैसे पिछले कल भी हमने कहा बोल रही हूँ कपड़े ही धोए थे, आज सेटिंग वगैरह करने को भी है हुई हुई, अभी पूरा घर मतलब कि फैला फैला ही, तो जी दिन के बजे अभी 2, और शाम हमने विशु के लिए वो देखो ये मैट वगैरह भी जो सारे बिछाए होते ना वो सारे इस तरह से धो के रख दी, मैंने जो फूल लगाए थे ना वो कितने अच्छे खिले हुए हैं रंग बिरंगे, वो वहाँ से लेकर इधर इधर होते 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 आगे वहाँ तक, और घर के पास इसकी सुंदरता देखो कितनी अच्छी लगती है, ये तो धनिया के फूल है ना, वो देखो वो भी वहाँ देखो ये इसमें भी आने लग गए हैं, अभी ये नए हैं क्योंकि ये छोटे हैं ना, इसमें भी खिल जाएंगे, ये कुछ अलग अलग कलर के,
इस वाले घर के पास हमारा ये तीसरा गुलाब है। लास्ट ईयर भी गुलाब आ गए थे, ये इसमें गुलाब भी आ गए हैं। ये रेड है, ये भी मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सा है। दो यहाँ पे हैं, कुछ मैंने आगे गेट के पास भी लगाए। गाइस ये रौनक के पापा आ गए हैं वापस और मम्मी के साथ मिलके ये मैट बिछा रहे हैं। और मेरी इतनी हालत भयानक वाली खराब हो गई है ना, पूछो ही मत। मैं सो गई और मैंने एक उठाई पैरासीटामोल और उसके बाद अब भी जाके उठी हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी, हो गया ठीक कि मैं बाहर वो हॉल की सेटिंग चेंज करूँगी, मतलब कि सोफे उधर को ले जाऊँगी, बेड इधर को ले आऊँगी। लेकिन अब मेरी खुद की ही सेटिंग चेंज हो गई है, मैं सोच कुछ रही थी और हो मेरा क्या गया है। आज तो पतिदेव से पूरी सेवा हो रही है, ये भी एक अपना ही मजा है। अच्छा? हाँ जी, चाय पकौड़े भी आ गए हैं। वैसे मेरे पेट में भी दर्द है, खाने कुछ नहीं होता। अच्छा, अगर कुछ हुआ तो हॉस्पिटल नजदीक है। हॉस्पिटल से याद आया बुआ की रिपोर्ट्स की, तो बुआ की रिपोर्ट्स सारी अच्छी है। हल्का सा यूरिक एसिड इनका बड़ा है और ब्लड वगैरह भी ठीक है, काफी अच्छा है उनका सब कुछ ही रिपोर्ट। और मेरी तबीयत हो गई है खराब, अभी शाम के बजे हैं 7, उठूंगी अब, खाना मैं बना दूंगी क्योंकि मम्मी भी रेस्ट करे। मम्मी ने भी आज दिन भर बहुत सारा काम किया है। और कुछ पानी पीना? नहीं जी, पानी नहीं पीना है, कुछ नहीं करना, बस डिनर बनाने में हेल्प चाहिए। अभी सारा ही निकल रहा है भराड़ और रौनक के पेपर भी हो गया खत्म, टेंशन फ्री हो गई हूँ आज। पर अभी मैं खाना बनाऊंगी उठ के और फिर बर्तन वगैरह धो लूंगी जो भी रहता है घर। जाने जिनकी डेथ हो जाती है वो लोग कहाँ चले जाते हैं, मेरे पिंकू भैया मतलब कि जो मेरे जीजा जी हैं, मैं भाई बोलती हूँ उनको, पहले से ही बताते आ रही हूँ, उनके मम्मी की डेथ बहुत पहले हो गई है और अभी उनकी जो है पापा की डेथ हुई है। तो देखो टाइम चला जाता है, बीत जाता है, यादें ही रह जाती हैं। और शाम के व्यू के लिए भी आप लोग कमेंट करते हैं कि बताइएगा कैसा दिखता है, खासकर शहरों से तो शाम को ऐसा दिखता है। अभी चांद निकल रहा है ना, तो तारे थोड़ी देर बाद फिर पता क्या होता है, ज़मीन और आसमान का कोई फ़र्क ही नहीं रह जाता है, सेम ऐसे ही दिखता है जैसे ज़मीन पर जो है लाइट दिखती है और आसमान में सितारे दिखते हैं। और शाम का व्यू बहुत अच्छा व्यू होता है, तो मैंने फटाफट से ये टाइम लैप्स बना दी है और आपके लिए स्पेशली जिनको पहाड़ों के रात के नज़ारे देखना अच्छा लगता है। वहां से जहां से अभी सूर्य निकल रहा है ना, वहां से मैंने शाम को वो बनाया है टाइम लैप्स, उसको क्या बोलते हैं, चांद निकलने का। पेट में दर्द हुई मेरे को यार। अच्छा? फिर मैंने कुछ नहीं किया। सच में आज मुझे पेट में दर्द हुई, मैंने वो अजवाइन नहीं, रौनक के पापा चले गए हैं, चाय मम्मी ने भले ही दी लेकिन बनाई मैंने चपाती भी बना दी है। और ये रस्टी की चपाती, रस्टी को सुबह एक मोटी रोटी, वैसे दोनों मोटी ही बनती है पर आज मैंने एक ही बनाई, दो इसको चपाती। और हमारे लिए आए हैं पकैन, शाम को नीचे से गिर जाने दे दिए थे। ये होते हमारे पकैन, जैसे आते हैं ना मैं बताती ही हूँ, इसके मम्मी आए थे तो देखो ये उबालूँगी मैं, देखो कितना बड़ा पकैन दिया है और इसमें और है, तो ये मैं फटाफट से उबालूंगी और ब्रेकफास्ट कर दूंगी। और मेरी हालत देखो, आज रात में फिर नहीं सोई, मतलब कि मेरे को पता है क्या होता है, जैसे मैं ईस्ट वाला कुछ भी खाती हूँ ना, बाकी चावल कच्चे चावल मैं वो नहीं खाती हूँ, जो धान वाले नहीं होते लाल चावल, वो कई बार उसमें स्वाद लग जाता है, मैंने वो भी खा लिए थे। और मैंने खाया था क्या जी, जैसे वो नहीं होते हैं
बन होते हैं जो, वो फ्रिज में रखा था वो खा दिया था। आफ्टर सर्जरी दिक्कत आती है मुझे ये सब चीज़ें हजम करने में। रात को जैसे एकदम से मेरे पेट में इतनी दर्द हुई, इतनी दर्द हुई, मैं उठी होंठ ऐसे सूखे हुए और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा फीवर भी था। और फिर मैंने उठी, अजवाइन खाई, दवाइयाँ मैं नहीं खाती हूँ जब से मेरी सर्जरी हुई है ना, क्योंकि पेन किलर नहीं लेने चाहिए, कोशिश गर्म पानी पी के ही ठीक करने की। और मैंने गर्म पानी पिया, थोड़ा बाहर इधर उधर चली, फिर ठीक हो गई। और चलिए अब इसको खाते हैं, मतलब फिर ब्रेकफास्ट खाते हैं और वीडियो का भी करते हैं एंड। मिलूंगी नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। शाम को मैंने जो बाहर से व्यू कैप्चर किया है ना, वो लगभग 1 घंटे का है। मैंने कोशिश की है आपको उसको शॉर्ट करके दिखाने की, पता नहीं साउंड क्वालिटी उसमें कैसी आई होगी। और वो मैंने आपको ऐसे लग रहा है ना बस कुछ सेकंड का है या मिनट का है, लेकिन पूरा खाना मेरा उसमें बना, पूरा घंटा मैंने अपने जो है फ़ोन की मेमोरी उसके लिए झोंक दी पूरी आप लोगों के लिए। चलिए कोई ना, मिलूंगी नए से ब्लॉग, तब तक के लिए।